हेलो डियर स्टूडेंट्स ये ईएमआई का एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ए वायर लूप एनक्लोजिंग इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी एट इक्वल टू जीरो लूप इज सेट इन टू रोटेशन विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलेशन एल्फा अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू ओ एंड पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फाइंड ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन तो सिचुएशन ये है बेसिकली कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन है बाउंड्री है इसके राइट right में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंटिकुलर हैं और ओ इज़ देंटर ऑफ दिस वायर लूप एंड एक्सेज इज परपेंटिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैनल है और इसके प्लेन में रोटेट कर रहा है एल्फा एंगल से एल्फ़ा एंग्लो एक्सलेशन से ये लूप हमें ई एम एफ टाइम का ग्राफ बनाना है तो आप चाहें तो एक बार खुद ट्राई कर लें 99 परसेंट स्टूडेंट्स इसका ग्राफ गलत बनाते हैं तो आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपने क्या मिस्टेक की थी और अगर आप सही बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ओके आप सही बनाते हैं तो आप वन स्टूडेंट्स में हैं तो देखिए ज़रा सिचुएशन किसी भी इंस्टेंट पर हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये थीटा एंगल से रोटेट हो चुका है तो यहाँ पर ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में जो फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट कर लें फ्लक्स फाइव इक्वल टू तो बी इंटू ए तो हमारे पास फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा बी इंटू ए ए सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है आप लोगों को पता है थीटा वेयर विल बी इक्वल टू तो हाफ एल्फा टी स्क्वायर क्योंकि तो यहाँ एंग्लो एक्सेशन एल्फा है और इनिशियल ओमेगा जीरो है तो थीटा इक्वल टू तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर होना चाहिए वेयर ओमेगा नॉट इज जीरो दैट्स वाई थीटा इक्वल टू हाफ एल्फा टी स्क्वायर इससे आपके पास फ्लक्स का फंक्शन आ जाता है विच इज़ प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर यू कैन सी दिस फ्लक्स इस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड फ्लक्स इज प्रपोशनल टू टी स्क्वायर तो ई एम एफ इक्वल टू डी फाई बाई टी टी डी फाई बाई डी टी अगर आप ई एम एफ लिखते हैं तो डी फाई बाई डी टी इज ई एम एफ डेट विल बी इक्वल टू बी एल्फा स्क्वायर बाई टू इन टू टी दिस विल बी प्रपोर्शनल टू टी तो ई एम एफ इज प्रपोर्शनल टू टी अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बिकॉज ये रोटेट कर रहा है एंग्लो एक्सोलेशन से तो थीटा इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर इससे अगर हम देखें तो ज़ीरो से और पाई एंगल रोटेट होने में जीरो टू यू कैन से टू पाई बाय रूट टू पाई बाय एल्फा रूट टू पाई वाई एल्फा कितने टाइम में रोटेट हो जाएगा पाई से रोटेट हो जाएगा जब पाई से रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा रूट टू पाई बाय एल्फ़ा तो जब पाई से रोटेट हो जाएगा तो बेसिकली डिस्क किस तरीके से हो जाएगी पूरी की पूरी इसके इनसाइड आ चुकी होगी यहाँ तक फ्लक्स बढ़ रहा है इसके बाद ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाना शुरू हो जाएगी और फ्लक्स कम होने लगेगा तो इसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होने लगेगी तो जीरो से पाई तक करंट की एक डायरेक्शन रहेगी फिर पाई से टू पाई तक करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी फिर टू पाई से थ्री पाई तक करंट की डायरेक्शन फिर चेंज होगी और फिर थ्री पाई से फोर पाई तक फिर अपोजिट हो जाएगी ओके तो ऐसे केस में हमें पता है कि जो टाइम लगेगा वो पाई रोटेट होने में जीरो से अंडर रूट टू पाई बाय अल्फा लगेगा फिर अंडर रूट टू पाई बाय अल्फा से अंडर रूट फोर पाई बाय अल्फा तक ये क्लॉकवाइज होगा पहले एंटी क्लॉकवाइज होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इंड्यूस करंट इस तरीके से होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज़ करें तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आना चाहिए ऊपर की तरफ इसलिए करंट एंटी क्लॉक वाइज फ्लो होगा एंटी क्लॉक वाइज को हम यहाँ पर पॉजिटिव एज्यूम कर ले रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज करंट को अगर हम पॉजिटिव शो करेंगे या आप कह सकते हैं ई एम एफ इंड्यूस जो होगा उसको पॉजिटिव शो करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसको नेगेटिव शो करेंगे फिर एंटी क्लॉक वाइज होगा तो इसको पॉजिटिव शो करेंगे फिर अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव शो करेंगे तो देखिए किस तरह का ग्राफ बन रहा है आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो प्रपोशनल टू स्लोप जो है अगर इसका देखें ई वर्सेज टी ग्राफ का तो ये स्लोप हो जाता है विच इज़ ए कॉन्स्टेंट ई वर्सेज टी ग्राफ का स्लोप अगर आप देखें तो इसका स्लोप कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कॉन्स्टेंट स्लोप की लाइन्स इधर और इधर बना दूँ तो इन्हीं लाइन्स पर इस ग्राफ को रहना चाहिए बस ये है कि जब पॉजिटिव होगा डायरेक्शन तो ऊपर वाले ग्राफ पर आएगा और नेगेटिव होगा तो नीचे वाले ग्राफ पर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जीरो से लेकर और रूट टू पाव एल्फा तक ये इस तरीके से लाइन पर रहेगा करंट लीनियरली बढ़ता जाएगा और ये करंट एंटी क्लॉक होगा फिर जैसे ही आप रूट टू पाई बाई अल्फ़ा से रूट फोर पाई बाई अल्फ़ा तक जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आने लगेगा और करंट जितना पहुंच चुका था क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज़ स्लो होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक में वहीं से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ता चला जाएगा फिर जैसे ही ये टू पाई से रोटेट हो चुका होगा फिर ये मैग्नेट फील्ड के अंदर आने लगेगा और क्लाक में बढ़ते बढ़ते जहाँ तक करंट पहुँच चुका था वहां से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो होने लगेगा और फिर इसी तरीके से रूट सिक्स पाई बाई एल्फा पर फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर ख़त्म हुआ था वहां से रोट ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि इसको हर टू पाई रोटेट हर पाई रोटेट होने में पहले से कम टाइम लग रहा है तो टाइम एक्सिस पर ये सबसे बड़ा टाइम ले रहे हैं हम पाई रोटेट होने में पाई से टू पाई रोटेट होने में टाइम थोड़ा सा और कम लगा टू पाई से थ्री पाई रोटेट होने में और कम लगा और थ्री पाई से फोर पाई रोटेट होने में और कम टाइम लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेंथ भी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा ये आपके पास ई एम टाइम ग्राफ आ जाता है तो आप चेक कीजिए कि आपने सही बनाया था गलत बनाया था क्या मिस्टेक हो रही थी इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये कि एंटी क्लॉक में जहाँ पर करंट फ्लो होना ख़त्म हुआ था क्लॉक में वहीं से अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू हो जाता है लेकिन थियोटिकली अगर आप देखेंगे तो दिस सिचुएशन इज़ सेम ऐसा ही होना चाहिए ओके okay?